दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चुनिंदा प्रश्नों की यह श्रृंखला लेकर आया हूं और बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 89 की। और 89 का क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन आपके सामने कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से रंग रूप कद भार एवं शारीरिक गठन में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इससे किस प्रकार की भिन्नता का पता चलता है। पहला, व्यक्तिक भिन्नता का, शारीरिक भिन्नता का, मानसिक भिन्नता का या रुचि संबंधी भिन्नता का। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब होगा हमारा शारीरिक भिन्नता का, क्योंकि यह है शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत रंग रूप कद भार एवं शरीर गठन से संबंधित बातें आएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन 90 है कि व्यक्तियों की योग्यताएं अथवा विशेषताएं आपस में कितनी मात्रा में और किस प्रकार भिन्न है, इसका पता लगाना क्या कहलाता है। यहाँ कहा गया है कि व्यक्तियों की योग्यताएं अथवा विशेषताएं आपस में कितनी मात्रा में और किस प्रकार भिन्न है, इसका पता लगाना क्या कहलाता है। पहला, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का माप, बाल विकास की अवस्थाओं का मापन, विशिष्ट मापनियों का उपयोग करना या व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन। और इसका बिल्कुल सही जवाब आप समझे होंगे, व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति की योग्यताएं या विशेषताओं में कितनी मात्रा में आपस में उनमें भिन्नता है, यह मापना व्यक्तिक भिन्नता का मापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हम कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक भिन्नताओं के मापन में प्रयुक्त होने वाली मापन तकनीक नहीं है। अंतराल मापी, क्रमिक मापी मापनी या विस्तृत मापनी या अनुपात मापनी। और 91 का बिल्कुल सही जवाब आपने समझा होगा जो है हमारा क्वेश्चन विस्तृत मापनी। ऐसा हमने कोई भी नाम नहीं सुना है, क्योंकि जो मापन तकनीक नहीं है की बात है, और नहीं है तो विस्तृत मापनी कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसके विषय में हमने पढ़ा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 92 की बात करेंगे, और इसमें लिखा है कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक स्वरूप का होना, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना, सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की शारीरिक मानसिक संवेगात्मक समरूपता का होना। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं यहाँ पे 93, और इसमें दो व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों से भिन्नता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत भेद के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है, शारीरिक भिन्नता, मानसिक योग्यता में भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी भिन्नता या व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। और ये 93 का बिल्कुल सही जवाब आप समझे, मूल प्रवृत्ति भिन्नता। इस प्रकार की कोई भिन्नता का हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता की बात की गई है। 94 क्वेश्चन कहता कि मानसिक योग्यता में भिन्नता के अंतर्गत किस वाक्य को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी भिन्नता, स्वभाव संबंधी भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी भिन्नता। तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते सम्मिलित, वह यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता संबंधी जो भिन्नता है उसे मानसिक योग्यता से भिन्नता के अंतर्गत नहीं समझ सकते हम। सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें होती है दूसरे के विचारों को यथावत स्वीकार करना, समस्या की व्याख्या करने की क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो 95 का हमारा बिल्कुल सही है, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता सृजनात्मक व्यक्ति से होती है। क्वेश्चन नंबर 96 व्यक्तिक भिन्नताओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है, घरेलू कारक, विद्यालयी कारक, वातावरणीय एवं अनुवांशिक कारक और राजनीतिक कारक।
96 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर सी की वातावरणीय एवं अनुवांशिक जो कारक हैं ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। 97 की व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो व्यक्तियों के मध्य पाई जाती है ऐसी भिन्नता को हम क्या कहते हैं, वातावरणीय कारक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अनुवांशिक कारक या व्यक्ति के शील गुण। और 97 का बिल्कुल सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 91 एक ही बालक कक्षा के बालक तथा बालिकाओं की रुचियों अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। इन सबको एक पाठ्यक्रम की शिक्षा देना खाली स्थान है, उचित अनुचित व्यर्थ या आवश्यक। और 98 का बिल्कुल सही जवाब है अनुचित। 99वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्यक्ति के किसी एक योग्यता या विशेषता में परिवर्तन दूसरी योग्यता या विशेषता को प्रभावित करता है, इससे क्या स्पष्ट होता है। व्यक्ति में विशेषताएं परस्पर संबंधित होती है, विशेषताएं व्यक्ति में परस्पर संबंधित नहीं होती है, विशेषताएं पूर्णतः पृथक होती है, विशेषताएं एक दूसरे से अप्रभावित होती है। और 99 का बिल्कुल सही जवाब है कि व्यक्ति में विशेषताएं परस्पर संबंधित होती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें।